हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना एंड होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये कोई भी मेरा डेली ब्लॉगिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बट प्लीज़ अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हो, ये वाला जो ब्लॉग है, ये वीडियो है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। कुछ आज इम्पोर्टेंट बातें मैं बोलने वाली हूँ। आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये सब बातें पता होगी, बट मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको पता नहीं है, या जिनको पता होते हुए भी इन सब का वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मान नहीं रहे हैं, उन सब के लिए मैं बोल रही हूँ। तो प्लीज़ इसे रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ से आप लोगों को बोल रही हूँ कि प्लीज़ ये वाला वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहली बात है जो कि जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन अभी है वो सबको पता है, किस फेज से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, तो ये सबको पता है। तो बेसिकली मैं अगर इंडिया की बात बोलूँ, जैसे इंडिया बहुत बड़ा एक देश है, बहुत बड़ा देश है, एंड सच बताओ, सच हमेशा कड़वा होता है। हम इंडियंस बहुत ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल भी है, कोई भी बात हमें हम एक बार में मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। जब तक वो सब, जब कुछ हमारे साथ हो नहीं जाता है, हम उस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इंडिया में ये जो करोना वायरस है ये बढ़ता जा रहा है। अगर इन केस भगवान ना करे, अगर ऐसा जैसे इटली में, चीन में जैसे हुआ, अगर वैसा इंडिया में भी फैल जाएगा तो इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतने बड़े देश में ये सब कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पे हाइजीन लेवल इतना अच्छा नहीं है, ये हम सबको पता है। तो प्लीज़ जो भी गवर्नमेंट, हम लोग हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, तो ये जो सिचुएशन अभी है इसमें गवर्नमेंट जो भी कर सकती है वो कर रही है। बट सबसे बड़ी बात है कि ये हम ही लोग अपने साथ कर सकते हैं, मतलब हम अगर चाहेंगे तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, ये सब अब हमारे हाथों में ही है। तो प्लीज़ अपना सेफ्टी मेंटेन रखिए एंड सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए, घर में रहिए। हम सब तो हमेशा कंप्लेन करते थे ना कि फैमिली टाइम नहीं मिलता है, काम से फुर्सत नहीं मिलता है, क्या करें, कैसे टाइम दें हमारी फैमिली को। तो अभी तो वो मौका आया है, सबको वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। जिनका ऑफिस बंद नहीं हुआ है उनका तो कुछ बोल नहीं सकते, बट जिनका वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है, स्कूल छुट्टी है, कॉलेजेस छुट्टी है, सब कुछ छुट्टी है, तो घर में रहिए ना, फैमिली टाइम स्पेंड कीजिएगा ना। इतने दिनों के बाद ये आया है आपके पास, एक ऑप्शन आया कि हाँ आप घर में रह के अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इसको एज ए हॉलीडे मत लीजिए। गवर्नमेंट ने अगर छुट्टी दी है किसी, तो हॉलीडे नहीं है ये। घर से बाहर जाना बंद कीजिए, घर में रहिए। आई नो कि आज जो जनता कर्फ्यू डे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अनाउंस किया, बहुत अच्छा स्टेप है। तो एंड मुझे, मैं न्यूज़ में भी देख रही थी अभी, बहुत सारे लोगों ने अच्छे से वो सब फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। एंड ऐसे ही, ऐसा नहीं कि आज जनता कर्फ्यू डे है तो आज ही आप लोग घर में रहोगे, कल उठ के बाहर घूमने फिरने के लिए चले जाओगे। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है तो घर से मत निकलिए। आई नो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम भी फेस कर रहे हैं बहुत दिनों से, एक डेढ़ महीने से फेस कर रहे हैं। बच्चे इरिटेट हो जा रहे हैं घर में रह रहे के, तो ठीक है कोई बात नहीं, दो तीन दिन में एक बार आप गाड़ी निकालिए, गाड़ी से जाके पूरा सिटी का एक चक्कर लगा दीजिए, गाड़ी से उतरिए नहीं, बच्चों को ना ही निकालिए, कुछ मत निकालिए, बस घूम के गाड़ी में एक चक्कर लगा के घर आ जा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन है, सब्जी लानी है, दूध लाना है, तो बस फैमिली का एक मेंबर जाएगा, अच्छे से मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, हैंड वॉश कीजिए अच्छे से, 20 सेकेंड तक अच्छे से ऐसे रगड़ रगड़ के हैंड वॉश कीजिए जब आप घर में हैं। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो एक छोटा सा सैनिटाइजर कैरी कीजिएगा, कहीं भी आप टच करते हैं, लिफ्ट को टच कर रहे हैं या जो सीढ़ी रेलिंग्स वगैरह जो होती है, क्योंकि मेटल सब्सटेंस पे, मेटल ठंडा जो होता है वहाँ पे ये जो वायरस है ये ज़्यादा टाइम तक रहता है, वरना ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। तो वो सब मेटल चीज़ें अगर आप कुछ भी टच कर रहे हो उसको फटाफट हैंड सैनिटाइज कीजिएगा। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो कोशिश कीजिएगा वो हाथ, जब तक आप धोते नहीं हो या सैनिटाइज नहीं करते हो, तो आँख मुँह नाक यहाँ पर मत लगाइएगा, घर आके अच्छे से हैंड वॉश कीजिएगा। सैनिटाइजर अगर आपके
आपके पास नहीं है या नहीं मिल रहा है मार्केट में, देन आप घर में भी बना सकते हो। नॉर्मल सा बॉडी लोशन या कोई भी मॉइस्चराइजर लीजिए आप, उसमें थोड़ा सा डेटॉल ऐड कीजिएगा, जितना बॉडी लोशन जितना मॉइस्चराइजर उतना डेटॉल ऐड कीजिए, उसको मिक्स कीजिएगा। एंड इंटरनेट पे आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे सैनिटाइजर घर में बनाने के लिए। अगर आपके पास मास्क भी नहीं है, कोई भी आपके पास रुमाल तो होगा ना घर में, तो वो बांध के जाइएगा। ऐसा नहीं कि हाँ जो सर्जिकल मास्क ही आपको पहनना है, किसी भी चीज़ से आपको बस ढकना है अपना, ये ढकना है अगर आप छींक रहे हो या कुछ खास रहे हो, ताकि वो जो वो बाहर ना जाए। इस वजह से तो आप किसी भी कपड़े से, चुन्नी से, वो भी आप कर सकते हैं। तो बस एंड और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये मैंने आई थिंक आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को पता होगा इस चीज़ का, अभी तक कुछ भी वैक्सीनेशन नहीं आया है, ना ही कोई मेडिसिन है, कुछ भी नहीं है। एक तो है सेल्फ क्वारंटाइन, अगर आप घर में रहिएगा कहीं बाहर मत जाएगा उससे आप बच सकते। दूसरा है आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है, क्योंकि जो भी हमारे हमारा जो बॉडी है वो बैक्टीरिया वायरस से ही बना है, तो ये जो है एक्स्ट्रा कुछ अलग चीज़ नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम ही इसको टैकल कर सकता है और कुछ भी नहीं टैकल कर सकता है। तो अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ विटामिन सी का कंजप्शन बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ विटामिन सी तो आप जाके विटामिन सी का मेडिसिन खा लेंगे। कौन से अभी प्लीज़ मेरा वीडियो एंड होने के बाद YouTube में या गूगल में कहीं पे भी सर्च कीजिए कि विटामिन रिच किस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में है, कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज़्यादा विटामिन सी है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंजेस हर एक फैमिली मेंबर दिन में 2-3 ऑरेंजेस खाइए, जूस बना के पीजिए। नॉर्मल नींबू तो आपके घर में होगा ही, तो नींबू को स्लाइस कीजिए, उसको गर्म पानी में डालिए, वो वाला पानी पीजिएगा हमेशा। अभी गर्म पानी पीजिए, वार्म वाटर पीजिए, हल्का सा उसमें नमक डाल के नींबू का 2-3 स्लाइस डाल के उसको पीजिए। एंड अमरूद, ग्वावा जो है वो खाइए, ब्रोकली, आपको बहुत सारे ऐसे मतलब मिल जाएंगे ऑप्शंस कि जिसमें विटामिन सी भरपूर है, तो वो सारी चीज़ें खाइए। मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसे मतलब यूट्यूब में मैं सर्च करके डॉक्टर्स के, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स की मतलब उनका वीडियो देख के ही मुझे ऐसा पता चला है कि विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट है अभी इस चीज़ से लड़ने के लिए। हम भी खूब सारा ऑरेंजेस लेके आए हैं, डेली एक दो ग्लास सब लोग ही पी रहे हैं, तो प्लीज़ वो भी आप कीजिए। अगर आप कर पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, देन आप पिए। आप जो भी आपको पसंद है जिसमें विटामिन सी है, अमरूद तो सबको पसंद होता है, तो वो पीजिएगा। सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए, हैंड वॉश अच्छे से कीजिए, सैनिटाइज कीजिए। बस अगर हम थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, थोड़ा सा सतर्क रहेंगे ना, और थोड़ा सा अपना सोशल सर्कल जो है, हमारे फ्रेंड सर्कल जो भी नेवर, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। कुछ ही दिनों की बात है, कौन सा ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, तो ही हम इस जो मुसीबत से बच सकते हैं, और कोई भी और किसी से भी हम लोग इससे बच नहीं सकते। आप लोगों को पता चल रहा है कि कैसे ये तेज़ी से बढ़ रहा है, कितनी मतलब डेथ्स हो रही हैं डेली, कितने डेथ्स हो रही हैं। तो प्लीज़ मेरी बात को, अगर मुझसे आप थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो मेरी बात सुनिए। अरे टाइम पास घर में रहने से मतलब मूवी देखिए ना, इतनी सारी मूवीज़ है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, कोई भी एक सीरीज़ लगा लीजिए। एक सीरीज़ तो देखते देखते आपका आराम से 2-3 हफ्ते निकल जाएगा, तो टेंशन की क्या बात है। अच्छे अच्छे पकवान बनाइए घर में एंड खाइए, क्या मज़े कीजिए। ये टाइम फिर आएगा नहीं शायद, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए ना, ये टाइम शायद कभी नहीं आएगा। अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इतना लंबा ये टाइम नहीं आएगा, तो बाहर क्यों जाना है, घर में रह के ही आप लोग प्लीज़ मेरी बात को एक बार मान, अगर मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते। ये खाली मैं इंडियंस के लिए नहीं बोल रूँ, वर्ल्ड वाइड जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं सबको बोल रूँ प्लीज़ थोड़ा सा सेफ्टी रखिए। गवर्नमेंट जो भी आपके लिए स्टेप ले रही है, आपके भले के लिए ले रही है, तो जो कुछ लोग हैं जो मान नहीं रहे, क्वारंटाइन से भी भाग जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। आप अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हो, साथ ही साथ
बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो, तो ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है ना ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग मिलके इसमें काम करेंगे एकजुट होके, यही टाइम है दिखाने का कि हमारी यूनिटी क्या है, हम कितना समझदार है, हम कितना रिस्पॉन्सिबल, हम जो हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम कितना रिस्पॉन्सिबल है, यही टाइम है दिखाने का। यही टाइम है दिखाने का कि हम कितना रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है। तो अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर डर है तो प्लीज़ ये चीज़ को, और हाँ और एक बात बता दे रही हूँ, ये वीडियो से आप पैनिक मत होइएगा, ना ही जो बहुत सारे व्हाट्सएप में वीडियोस वायरल हो रहे हैं, फेसबुक पे, पैनिक मत होइएगा, क्योंकि ऐसा भी एक सर्वे आया है कि लोग ना पैनिक से ज़्यादा उनकी डेथ हो रही है, ना कि इस वायरस से डेथ हो रही है। तो पैनिक मत होइएगा, नॉर्मल से एक वायरस है हमारा, जैसे कि मैंने बताया हमारे बॉडी में फुल सैकड़ों सैकड़ों वायरसेस है, आजू बाजू आप जहाँ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ वायरस है। तो इस ये हाँ थोड़ा सा हमारे ऊपर हावी हो रखा है अभी, बट उसको हम टैकल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एक दो तीन स्टेप्स ही तो करने हैं, घर में रहना है, घर का खाना खाना है, हाथ अच्छे से साफ करना है, विटामिन सी थोड़ा सा कंज्यूम करना है, या कुछ भी गुड जो बैलेंस डाइट है वो खाना है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे। बस यही छोटी छोटी बातें जो नॉर्मल हम लोग मतलब आराम से इजीली कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो बस यही कीजिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, कुछ दिनों के बाद है देन, तो फिर जब ये सिचुएशन टैकल हो जाएगा ना, देन अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हैं एंड धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होने लगेगा ना, देखना आप अंदर से कितना ज़्यादा अच्छा फील करोगे कि हाँ हम लोगों ने मिलके ये जो मुसीबत आई है पूरी दुनिया के ऊपर, हम सब ने ही मिलके इससे हम लोगों ने मतलब उसको टैकल किया एंड हम उससे सब बाहर आए। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। गवर्नमेंट का साथ दीजिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।